आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समलेश्वरी ट्रेन में यात्रा कर रहे सीआरपी जवान के अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण झांसा रोड रेलवे स्टेशन पर उन्हें उतारकर जिला मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना मिली। लखनपुर ब्लॉक मीटिंग हॉल में मोघोरो योजना संबंध में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। झारसुवा विधायिका दीपाली दास लेकरा ब्लॉक का दौरा कर ब्लॉक कार्यालय में हिताधिकारियों को भत्ता बांटे। ब्रजराजनगर थाना अंतर्गत बुंदिया कॉलोनी के कृष्णचंद्र नायक को घनश्याम और अन्य दो युवक धमकी देने के साथ चाकू से हमला करने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है। लैकरा थाना अंतर्गत पाकिलपाड़ा में लिंगराज नायक नामक एक युवक किसी कारण से जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश किए थे। उन्हें सुंदरगढ़ जिला मेन हॉस्पिटल में स्थानांतरित करने की सूचना मिली। जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित डीएमएम कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मैट्रिक एग्जाम में A1 में पास हुए 58 स्टूडेंट्स को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। रेंगाली थाना अंतर्गत रेवेंडा गांव के पास स्थित एक बेड पे कुछ खमारी नामक एक व्यक्ति की मृत शरीर पुलिस उद्धार किए हैं। बड़माल थाना अंतर्गत भुरका मुड़ा में एक व्यक्ति गाय की मांस खाने की शिकायत कुछ स्थानीय लोगों ने करने के बाद पुलिस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के साथ उस व्यक्ति की पत्नी की शिकायत के आधार पर कुछ स्थानीय चार युवक उनके साथ मिसबिहेव किए हैं। पुलिस उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। बिलपहाड़ थाना अंतर्गत कुडालोई में पंचायत स्तरीय सांगठनिक बैठक का आयोजन किया गया था। सदर थाना अंतर्गत बॉम्बे चौक में रहने वाले लॉयर विकास पंडा से पुरी में एक यात्री निवास बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने 2520 रुपए ठग लेने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है। बनरपली थाना अंतर्गत पंप हाउस पड़ा चौक से चांदारामा तक रोड पर एनटीपीसी की ओर से चल रहे हैवी व्हीकल्स को स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया था। इस बारे में डीएमएम कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में डिप्टी कलेक्टर एनटीपीसी के अधिकारी और तेलनपाली सरपंच समेत स्थानीय लोग उपस्थित थे। बीटीएम स्थित बीजेपी कार्यालय में स्टेट सेक्रेटरी टंगादा त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को सवाल किया गया। राज्य सरकार की ओर से एलएन कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज की विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए प्रदान किया गया है। झांसा कलेक्टर दोनों कॉलेज का दौरा कर कैसे काम शुरू किया जाएगा इस बारे में समीक्षा किए हैं। बालेश्वर भानगा के ट्रेन एक्सीडेंट में मृत्यु हो गए लोगों की आत्मा की सदगति के लिए ब्राह्मण समाज की ओर से सरभाल स्थित जगन्नाथ मंदिर में एक स्मृति सभा का आयोजन किया गया था। अब से गहनों की शॉपिंग के लिए आइए श्री शंकर ज्वेलर्स, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। प्यार हो या त्योहार हो, तोहफा हो या सिंगार हो, सोना और चांदी के साथ आपके हर पल को खास बनाए। श्री शंकर ज्वेलर्स, सरवाहाल रोड नियर मनमोहन एमी स्कूल और स्टेशन चौक झाड़सुगड़ा।